चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड आई एम योर फ्रेंड रीमा जैन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा का शॉपिंग हॉल वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको वाला वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो है जबोंग एंड मिंत्रा का कुर्ता का लुकबुक शेयर किया था, आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड प्लीज उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियोस बनाती रहूं आप सबके लिए। एंड फ्रेंड्स, किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं पार्टी वेयर साड़ी का हॉल बनाऊं, तो यस, मैंने आज एक पार्टी वेयर साड़ी मैंने ली है फ्लिपकार्ट से, तो मैं आज आपके साथ में वो शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने काफी सारी साड़ियां ऑर्डर दी है मिंत्रा से, तो वो जब आएंगी तो मैं आपके साथ में उसका हॉल शेयर करूंगी। तो आज जो मैंने साड़ी पिक करी है वो है फ्लिपकार्ट से, आप देख सकते हैं कितना बड़ा इन्होंने ये बैग दिया है। सो फ्रेंड्स, ये वाली मैंने पार्टी वेयर साड़ी परचेज करी है फ्लिपकार्ट से एंड ये जो साड़ी है ये 899 रुपीज में मुझे पड़ी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं आने वाले टाइम में समर्स आने वाले हैं एंड समर में ब्राइट कलर इतने अच्छे नहीं लगते जितने लाइट मीडियम कलर अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ये साड़ी ली है उसी को मद्देनजर देखते हुए ली है कि समर के टाइम में अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो या फिर किसी वेडिंग में जा रहे हो, किसी संगीत के फंक्शन में जा रहे हो, तो आप कोई ऐसी साड़ी पहनो जिसको देख के लोगों को अट्रैक्शन हो, ऐसा नहीं लगे कि यार क्या पहन लिया, आंख में चुभ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये साड़ी कुछ ऐसा ही है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो साड़ी है ये हाफ हाफ साड़ी है एंड ये नेट की साड़ी है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये नीचे की तरफ आएगा, जो नीचे में जो प्लेट्स बनती है वो नीचे की तरफ आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ में इस साड़ी के अंदर में एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, पूरी साड़ी में ये जो है थ्रेड वर्क किया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सफाई से किया हुआ है वर्क, मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड ये जो है ये पूरे नेट पे किया हुआ है एंड यहाँ पे गोल्डन थ्रेड से किया हुआ है। देन यहाँ में जो है पट्टी लगाई हुई है जो कि इसको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है एंड रिच लुक देती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर किया हुआ है काम इसमें। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है एम्ब्रॉयडरी वाला, ये नीचे का हिस्सा है जहां नीचे की जो प्लेट्स होती है वो आएंगी। देन अब मैं आपको दिखाती हूँ जो पल्लू का साइड है वो। तो फ्रेंड्स, पल्लू का जो साइड है वो इस तरीके का पिंक कलर का प्लेन पल्लू है एंड इनमें इस तरीके से छोटी छोटी बूटियां बनाई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो मटेरियल है ये बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस मटेरियल है, बहुत ही शाइन करता है। अगर आप नाइट में इसको पहन रहे हो तो ये काफी ज्यादा शाइन देगा एंड बहुत ही ब्राइट लुक देगा। हैवी नहीं होने के बावजूद भी एक हैवी साड़ी का जो फील होता है वो पूरी तरीके से आपको देगा। बहुत ही सुंदर है इसका जो पल्ला है एंड कलर आप देख सकते हो कितना सुंदर है एंड जो इसका ग्रीन कलर है वो भी बहुत ही प्रिटी है। गर्मियों में इस तरीके के जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में पहनते हो। वर्क है आप देख सकते हो कितना सुंदर से काम किया गया है, बहुत ही बारीकी से काम किया गया है एंड बहुत ही सफाई से किया गया है, बिल्कुल भी कोई थ्रेड निकली हुई नहीं है, बहुत ही सफाई से काम किया गया है। एंड जो इसकी पट्टी है वो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, इनमें कांच लगे हुए हैं, बीच बीच में ये ग्लास लगे हुए हैं एंड इनको अच्छी तरह से पेस्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये जो साड़ी है बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है और आधा हिस्सा इसका जो है वो नेट का है और आधा हिस्सा जो है वो दूसरा मटेरियल है एंड बहुत ही सुंदर एंड गॉर्जियस कॉम्बिनेशन है कलर का, पिंक एंड लाइट ग्रीन। गर्मियों के लिए, समर्स के लिए परफेक्ट साड़ी लगी मुझे ये वाली साड़ी एंड लाइट वेटेड है। अगर फ्रेंड्स आपकी नई नई शादी हुई है तो भी आप इस साड़ी को आराम से पहन सकते हो। एंड में ये वाली जो साड़ी है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपकी न्यूली शादी हुई है और या फिर आप किसी फंक्शन के लिए कोई साड़ी परचेस करना चाहते हो या फिर किसी पार्टी वगैरह के लिए, किसी शादी वगैरह के लिए, तो फ्रेंड्स ये वाली जो साड़ी है काफी अच्छी लगी मुझे। लाइट वेटेड साड़ी है, दिखने में भी काफी सुंदर है एंड लुक जो है इसका बहुत ही अच्छा आता है। मैं आपको इसको पहन के बताऊंगी तो आप खुद देखना कि कितना सुंदर है ये साड़ी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड 900 रुपीज में आपको मार्केट में भी इतनी अच्छी साड़ी नहीं मिलेगी, अगर आप अच्छी रिटेल शॉप में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी इतनी सुंदर साड़ी 900 रुपीज में।
तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्लाउज कैसा है। तो फ्रेंड्स इसका जो ब्लाउज है वो सिल्क मटेरियल में है, लेकिन फ्रेंड्स जो सिल्क मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। काफी सारे जो सिल्क मटेरियल होते हैं वो गर्मियों में चुभते हैं, बट इसका जो मटेरियल है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मैं आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। एंड पिंक कलर का इसका जो ब्लाउज आएगा इस तरीके का पिंक कलर का आएगा, एंड इसके अंदर में ये पट्टी दी हुई है जो आप हाथ पे लगवा सकते हो जब आप बनवाओगे। तो फ्रेंड्स कपड़ा जो है पूरा अच्छी तरह से आया है, इससे आप आराम से अपना ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो, कपड़ा काफी अच्छा से है। और मटेरियल जो है साड़ी का एंड ब्लाउज का दोनों ही काफी अच्छा है, गर्मी में आपको ये कपड़ा बिल्कुल नहीं चुभेगा, आराम से आप इसको पहन सकते हो किसी भी पार्टी फंक्शन वगैरह में, बहुत ही अच्छा लुक देगा। एंड फ्रेंड्स ये वाली जो साड़ी है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, एंड आप देख सकते हैं परचेस किया था तब मैंने इसका रिव्यू चेक किया था, तो वहां पे लिखा हुआ था किसी ने कि पेटीकोट का कपड़ा भी साथ में आता है, बट इसके साथ में कोई पेटीकोट का कपड़ा नहीं आया है, वो मैं आपको बता दूं। अगर इसके साथ में पेटीकोट का कपड़ा आता तो ज्यादा अच्छा रहता, बट इसके साथ में कोई पेटीकोट का कपड़ा नहीं आया है, तो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा इसके लिए कपड़ा पेटीकोट का, या फिर आप रेडीमेड भी परचेस कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इसके साथ में कोई पेटीकोट का कपड़ा नहीं आया। तब जाके ये आपको चुभेगा नहीं, अदरवाइज ये जो कपड़ा है चुभता है जब आप पहनते हो इसे, तो चुभता है ये कपड़ा जो है, बहुत ही ज्यादा रफ है। एंड फ्रेंड्स मिंत्रा की पॉलिसी के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप उनके किसी भी कपड़ों को वॉश करके रिटर्न नहीं कर सकते। अगर आपने इसको वॉश किया, बाय चांस मैंने इसको वॉश कर दिया एंड उसके बाद में मुझे पसंद नहीं आया, तो फ्रेंड्स मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकती, तो इसलिए आपको इसको अनवॉश ही रखना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे जो कुर्ता है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इसका जो मटेरियल है बहुत ही ज्यादा रफ है, क्योंकि 547 रुपीज में और भी अच्छे अच्छे कुर्ते मिलते हैं, तो ये वाला जो है कुर्ता मुझे इतना खास पसंद नहीं है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये जो प्रिंट इसमें बनाया गया है जब ये आप वॉश करोगे तो एक बार में नहीं निकलेगा, लेकिन हो सकता है टाइम के साथ साथ धीरे धीरे रेगुलर वॉश से ये प्रिंट जो है निकल सकता है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इन टैग्स में मेंशन किया हुआ है। एंड फ्रेंड्स इसमें ये भी लिखा है डार्क कलर है कुर्ते का, तो आपको इसको सेपरेटली धोना है। अगर आपने किसी लाइट कलर के कपड़े के साथ में इसको मिक्स कर दिया तो फ्रेंड्स सारा जो कलर है वो फेड हो सकता है। तो आप इस कुर्ते को लेने से पहले मैं तो बोलूंगी आप 40 बार सोच लीजिए, उसके बाद में आप ऑर्डर करिए। और ऑर्डर करने के बाद में अगर आप ये सोचते हो कि आप धो के रिटर्न कर दो, तो धो के आप रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसलिए लेने से पहले आप सोच लीजिए उसके बाद में इसको ऑर्डर करिएगा। बट फिर भी मैं इसको पहन के आपको दिखा दूंगी, तो आप देख सकते हो कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है। और फ्रेंड्स अगर आप इसको ओनली लेके बाहर पहनना चाहते हो, वॉश नहीं करना चाहते, डेली वेयर में यूज नहीं करना चाहते, तो आप इसको परचेस करके ड्राई क्लीन करवा सकते हो, जब भी आपका मन हो आप ड्राई क्लीन करवा सकते हो, क्योंकि ड्राई क्लीन करने से कलर फेड वगैरह होने का चांस बहुत कम रहता है।
सपोर्ट मी गाइज। सो फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय।